Good morning students, welcome to all of you in e-learning program organized by Sri Gyanmanji Vidyapeeth. Today we are going to learn Sanskrit grammar. First lecture में हमने देखा था कि संस्कृत ग्रामर उसमें कितने टॉपिक है और क्या क्या टॉपिक है जो हमको संस्कृत ग्रामर में पढ़ने हैं. उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था क्रियापद. हमने देखा था कि क्रियापद के प्रत्यय है जो प्रत्यय को धातु में लगाने से उस काल का क्रियापद तैयार होता है. वर्तमान काल का प्रत्यय हो वह धातु में लगाने से वर्तमान काल का क्रियापद तैयार होता है. सामान्य भविष्य काल का प्रत्यय धातु में लगाने से सामान्य भविष्य काल का क्रियापद तैयार होता है. यस्तन भूतकाल का क्रियापद प्रत्यय धातु में लगाने से यस्तन भूतकाल का क्रियापद तैयार होता है. अज्ञार्थ और विद्यर्थ का प्रत्यय लगाए तो उसका क्रियापद बनता है. एक बात खास याद रखे कि ग्रामर जो है संस्कृत व्याकरण है. ऐसे तो कोई भी ग्रामर हो वह हम अपने आप प्रैक्टिस करें तभी हम उसको सीख सकते हैं, अच्छी तरह से वह ग्रामर पर पकड़ पा सकते हैं. ऐसे ही ग्रामर हम सीख नहीं पाते. तो जो भी काल के प्रत्यय है उस काल के प्रत्यय को आप सभी को बराबर याद करना है. अच्छी तरह से आप उसको याद कर ले. एक बार किसी भी काल के प्रत्यय जो है वह आपको याद हो गए तो कभी भी किसी भी धातु और किसी भी काल का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उसको तुरंत सोल्व कर सकते हो. लेकिन उसके लिए प्रत्यय जो है वह याद करने जरूरी है. एक बार हम क्रियापद जो है उसका रिवीजन कर ले अच्छी तरह से, बाद में दूसरा जो टॉपिक है उसमें चलते हैं. वर्तमान काल परस्मै पद मी वह मह सी थह थ ती तह अंति. देखो इस तरह से आप उसको दिन में कभी भी आपको टाइम मिले तब एक बार इस तरह से आप उसको बोल लो. अब ऐसे तो अभी तो ऑनलाइन ही स्टार्ट है तो एक रूम में ही बैठे बैठे पढ़ते होंगे तो एक रूम में बैठे बैठे बोल लेना. इसी तरह से मी वह मह सी थह थ ती तह अंति, फिर उसका उदाहरण जिस तरह से अभी हम रिवीजन करते हैं. ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा. एक बार याद हो गया तो पूरे साल उसको आप क्रियापद को देखना ही नहीं आप, इसलिए अच्छी तरह से आप उसको याद कर ले. मी वह मह सी थह थ ती तह अंति पठामी पठावह पठामह पठसी पठथह पठथ पठती पठतः पठन्ति ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अन्ते मिले मिला वहे मिला महे मिल से मिले थे मिल ध्वे मिलते मिलेते मिलन्ते स्यामी स्यावह स्यामह स्यसी स्यथः स्यथ स्यति स्यतः स्यन्ति भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति स्ये स्यावहे स्यामहे स्यसे स्येथे स्यध्वे स्यते स्येते स्यन्ते मिलिष्ये मिलिष्यावहे मिलिष्यामहे मिलिष्यसे मिलिष्येथे मिलिष्यध्वे मिलिष्यते मिलिष्येते मिलिष्यन्ते अम्वाम सतम्त
ताम अन अपठम अपठाव अपठाम अपठः अपठतम अपठत अपठत अपठताम अपठन इव हि महि थाः इथाम ध्वम त इताम अन्त अमीले अमीलावहि अमीलामहि अमीलसः अमीलेसाम अमीलध्वम अमीलत अमीलेताम अमीलन्त आनी आव आम हितम त तूताम अन्तु खादानी खादाव खादाम खाद खादतम खादत खादतु खादताम खादन्तु ऐ आवहे आमहे स्व इथाम द्वम ताम इताम अन्ता लभे लभावहे लभामहे लभस्व लभेथाम लभध्वम लभताम लभेताम लभन्ताम विद्यत इयम इव इम इहि इतम इत इत इताम इयुः गच्छेयम गच्छेव गच्छेम गच्छेहे गच्छेतम गच्छेत गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः इय विद्यत आत्मनिर्भर इय इवहि इमहि इथाः इयाथाम इध्वम इत इयाताम इरन विद्येय विद्येवहि विद्येमहि विद्येथाः विद्येयाथाम विद्येध्वम विद्येत विद्येयाताम विद्येरन। देखो ये क्रियापद हमने देखे थे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्म प्रयोग। देखो आप अभी बुक लेके बैठे होंगे ग्रामर की, उसमें आपको दूसरे टॉपिक हेडिंग में लिखना है स्म प्रयोग। अच्छी तरह से स्म प्रयोग, अब देखते हैं कि स्म प्रयोग किसको कहते हैं। यहां जो मैंने लिखा है वह आपको बुक में स्म प्रयोग हेडिंग लिखा, अब नीचे पॉइंट करके आप लिख लीजिए कि वर्तमान काल के क्रियापद में स्म लगाने से ह्यस्तन भूतकाल का अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए ह्यस्तन भूतकाल के क्रियापद की जगह पर वही पुरुष और वचन का वर्तमान काल के क्रियापद को स्म लगाया जाता है, उसको स्म प्रयोग कहते हैं। वर्तमान काल के क्रियापद में स्म लगाने से ह्यस्तन भूतकाल का अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए ह्यस्तन भूतकाल के क्रियापद की जगह पर वही पुरुषोर वचन का वर्तमान काल के क्रियापद को स्म लगाया जाता है, उसको स्म प्रयोग कहते हैं। देखो अभी वर्तमान काल का क्रियापद है, किसी भी सेंटेंस हो, कोई भी एक सेंटेंस हो, उदाहरण रूप से अभी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। पहले मैं जा रहा हूं, उसका संस्कृत हम ले ले तो अहम अहम गच्छामि, इस तरह से। तो इसका अर्थ क्या है, वर्तमान काल का अर्थ हुआ मैं जा रहा हूं अभी, ठीक है।
ऐसा अर्थ हुआ। अब क्या है कि वर्तमान काल के क्रियापद को स्म लगाने से यस्तन भूतकाल का अर्थ व्यक्त करता है। यह गच्छामि है तो मैं जा रहा हूं ऐसा कहता है, तो उसकी जगह पे मैं गया था ऐसा हो जाता है। कब? जब यहां पे गच्छामि स्म इस तरह से हम कर दे तब। अहम गच्छामि स्म इस तरह से कर दे तो मैं जा रहा हूं उसकी जगह पे मैं गया था। देखो क्रियापद वर्तमान काल का है, फिर भी यहां पे यह भूतकाल पास्ट टेंस का अर्थ व्यक्त करता है। मैं गया था इस तरह का, तो स्म प्रयोग यहां पे अहम अगच्छम ऐसे तो हम देखें तो ह्यस्तन भूतकाल का क्रियापद है, हमको प्रयोग करना है अहम अगच्छम कि मैं गया था। अहम अगच्छम मैं गया था, लेकिन उसकी जगह पे यदि आप वर्तमान काल के क्रियापद का प्रयोग करें और उसमें पीछे स्म लगा दे तो वह ह्यस्तन भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करता है। देखो यहां पे क्या कहा कि वर्तमान काल के क्रियापद में स्म लगाने से ह्यस्तन भूतकाल का अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए ह्यस्तन भूतकाल के क्रियापद की जगह पर वही पुरुषोर्वचन का वर्तमान काल के क्रियापद को स्म लगाया जाता है, उसको स्म प्रयोग कहते हैं। अभी देखते हैं पहले आपको याद क्या करना है। तो इस तरह से ह्यस्तन भूतकाल के परस्मे पद और आत्मने पद के जो प्रत्यय है वह आप सीख गए हैं, आपको अच्छी तरह से याद भी है, ठीक है। परस्मे पद के ह्यस्तन भूतकाल के प्रत्यय क्या है? अम व म स तम त त ताम अन। आत्मनेपद के प्रत्यय क्या है? ई वही मही था इथाम ध्वम त इताम अंत। परस्मैपद के प्रत्यय है अम व म स तम त त ताम अन ई वही मही था इथाम ध्वम त इताम अंत। और वर्तमान काल के प्रत्यय कौन से है प्रश्मे पद के? तो मी वह मह सी थह थ ती तह अंति। आत्मने पद के प्रत्यय क्या है? ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। वर्तमान काल प्रश्मय पद के प्रत्यय है मी वह मह सी थह थ ती तह अंति। आत्मने पद के है ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। अब हमको क्या करना है कि कोई भी सेंटेंस है, देखो यहां पे एक सेंटेंस है उदाहरण रूप कि अहम तावत जलाशयं तरम अगच्छम, इस तरह से आपको सेंटेंस है। तो क्या कहा कि ह्यस्तन भूतकाल का वही पुरुषोर्वचन का परस वर्तमान काल का क्या होता है? अगच्छम कौन से पुरुष और कौन से वचन का है? तो वह है उत्तम पुरुष एक वचन का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यह जो क्रियापद है वह है, तो वही वर्तमान काल का क्या होता है? वहां पे अम प्रत्यय होता है, यहां पे मी होता है, तो गच्छामि और उसको स्म लगा दे तो मैं
दूसरे जलाशय में गया था, और मैं दूसरे जलाशय में गया था, वही अर्थ होता है यहां पे। जो अर्थ यस्यन भूतकाल का होता है वही अर्थ ये वर्तमान काल के क्रियापद के पीछे स्म लगाने से भी होता है। दूसरा क्या है, अतः घटना स्थला दूरे अधावन, कि इसलिए वह घटना स्थल से दूर चला गया था, कि दूर चला जाता है। धावंती अधावन, उसका वह क्या है, अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है अन, परस्मै पद में अन, तो उसकी जगह पे अंति वाला हमको लगा देना है, धावंती स्म और स्म लगा देना है। फिर आत्मनिपद का एक उदाहरण है, सर्वे राष्ट्र ध्वजम अवंदत, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा सर्वे राष्ट्र ध्वजम वंदन्ते स्म, सर्वे राष्ट्र ध्वजम वंदन्ते स्म, क्योंकि अवंदत वह कौन सा है, तो सॉरी अवंदन्त, इस तरह से यहां पे आप एक सुधार कर ले, अवंदन्त न के आगे त है क्योंकि अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है, अवंदन्त इस तरह से अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है, इसलिए इस सभी राष्ट्र ध्वज को वंदन करते थे, तो यहां पे अन्य पुरुष बहुवचन का वर्तमान काल का लेने रहना है, अंते वंदन्ते स्म, तो हो गया सर्वे राष्ट्र ध्वजम वंदन्ते स्म। इस तरह से जो भी आपको वह आपने लिख लिया डेफिनेशन जो लिखाई थी, उसके बाद में इसको इस तरह से कोष्टक बना के ये प्रत्यय लिख लेने, यह तो आपके पास है ही, फिर भी आप यहाँ पे आपके सामने है, देख सकते हैं, ऊपर यस्तन भूतकाल लिख के परस्मै पद के एक तरफ आत्मनिपद पद, और एक ही तरफ ना आए तो ऊपर परस्मै पद के नीचे आत्मनिपद के यस्तन भूतकाल, बाद में वर्तमान काल के ऊपर परस्मै पद के और नीचे आत्मनिपद के, इस तरह से आपको अपनी बुक में लिख लेने हैं, उसके बाद में जो सेंटेंस है वह लिखने है, ठीक है। अभी देखो वयम सर्वे अभ्यासम अकुर्वम, हम वयम सर्वे अकुर्वाम, ठीक है, क्या हुआ कि हम सब अभ्यास कर रहे थे, इस तरह का सेंटेंस है, तो आपको अकुर्वाम अम ब और म हुआ तो उसकी जगह पे मह वाला, करोमी कुर्वह कुर्मह, ये हो जाएगा कि वयम सर्वे अभ्यासम कुर्मह स्म, वही पुरुष और वही वचन का यह है, व्यस्तन भूतकाल परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, तो हमको वर्तमान काल परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप ही यहां पे लगाना है, तो इस तरह से हो जाएगा अकुर्वम, तो उसकी जगह हो जाएगा कुर्मह, दूसरा सेंटेंस लेते हैं,
तो दूसरा एक सेंटेंस हम देखते हैं। यूयम सर्वे अपठत। अब देखो इसमें क्या है कि जो क्रियापद है ह्यस्तन भूतकाल का वह कौन से पुरुष और कौन से वचन का है वह हमको पता होना चाहिए, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। वही पुरुष और वही वचन का हमको वर्तमान काल का क्रियापद लगाना है। अब अपठत ये क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है। अपठत ये क्या है? तो मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है। तो यूयम सर्वे ये क्या है? अम व म स तम त ये है। तो अब हमको क्या करना है कि मी वह मह और सी थह थ अठ थ क्या सेंटेंस हो जाएगा कि यूयम सर्वे पठ थ स्म इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेंटेंस थे वो फिर से देख लीजिए आप। हम तावत जलाशयांतरम अगच्छम, उसकी जगह पे यह है ह्यस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष एक वचन का, उसकी जगह पे ह्यस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा गच्छामि स्म। और यह अधावन अन्य पुरुष बहुवचन का है तो उसकी जगह पे अन्य पुरुष का होगा धावंती स्म। यह अवंदत अवंदंत, ठीक है मैंने आपको क्या किया है न लगाना है। तो अवंदंत ये भी अन्य पुरुष बहुवचन का है आत्मनेपद का, तो यहाँ पे भी आत्मनेपद अन्य पुरुष बहुवचन का। अब किस तरह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वह देख लीजिए, यहाँ पे जो है उसी तरह से। ठीक है, ये अगच्छम है तो उसमें देखो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पीछे पूछा जाता है कि उपादिशत ये है, उपादिशत गुरु शिष्यम उपादिशत, यानी कि गुरु शिष्य को उपदेश देता था ह्यस्तन भूतकाल का यहाँ पे है। तो उपादिशत वह कौन सा है? अन्य पुरुष एक वचन का है तो उसकी जगह पे ती वाला होगा तो उपदिशति। देखो इसी तरह से आपको पूछा गया है और आपको यहाँ पे यही सेंटेंस उपदिशति स्म फिर से लिखना है, गुरु शिष्यम उपदिशति स्म। ठीक है, यह आंसर होगा इसका गुरु शिष्यम उपदिशति स्म। इसकी जगह पे हो जाएगा पूरा सेंटेंस गुरु शिष्यम उपदिशति स्म। अब क्या है कि तत्र स्नेह रूपम जलम अवहत, तो यह भी अन्य पुरुष एक वचन का है अवहत, तो इसकी जगह पे होगा वहति स्म। तत्र स्नेह रूपम जलम वहति स्म, आपको इस तरह से पूछा गया है तो आपको सेंटेंस को फिर से लिख लेना है कि तत्र स्नेह रूपम जलम वहति स्म गुरु शिष्यम उपदिशति तत्र। यह उसका आंसर हो गया, यह क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। अब तीसरा है, सिद्धराज एकदा विचार पथम आरूढ़ चिंतित, विचार पथ पर विचार करते हुए कुछ सोच रहे थे, तो उसका
वही अर्थ व्यक्त होता है अचिंतय चिंतयति। चिंतयति स्म चिंतयति स्म, ठीक है, यह निकल जाएगा, हो जाएगा कि सिद्धराज एकदा विचार पथम आरूढ़ चिंतयति स्म। ये सभी के आंसर हो गए कि गुरु शिष्यम उपदिशति स्म, तत्र स्नेह रूपम जलम वहति स्म, सिद्धराज एकदा विचार पथम आरूढ़ चिंतयति स्म। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आपको आंसर इस तरह से लिखना होता है, यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार फिर से आपको यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ लिख के, ठीक है। उपदिशति स्म, यह पहले का है, थोड़ा डिजिटली है इसलिए इसमें चौकसर है, ऐसे हो रहा है। वह ती स्म, और अचिंतयत चिंतयति स्म, ठीक है। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए, उपदिशति स्म, वहति स्म और चिंतयति स्म। तो यह हुआ स्म प्रयोग। फिर से एक बार देख ले, स्म प्रयोग वर्तमान काल के क्रियापद में स्म लगाने से ह्यस्तन भूतकाल का अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए ह्यस्तन भूतकाल के क्रियापद की जगह पर वही पुरुषोर वचन का वर्तमान काल के क्रियापद को स्म लगाया जाता है, उसको स्म प्रयोग कहते हैं। ह्यस्तन भूतकाल के और वर्तमान काल के प्रत्यय यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आप सरलता से, यह आपको याद ही है और याद होने चाहिए तो ही स्म प्रयोग में आप सरलता से जो भी यहाँ पे ह्यस्तन भूतकाल का क्रियापद दिया गया है तो उसकी जगह पर उसी पुरुष और उसी वचन का आपको वर्तमान काल का क्रियापद लगाना है तो आप सरलता से लगा सकते हैं। अम व म स तम त ताम अन, वही मही था इथाम द्वम त इताम अंत, यह ह्यस्तन भूतकाल परस्मै पद और आत्मने पद के क्रियापद है और वर्तमान काल के परस्मै पद के मी वह मह सी थह थ ती तह अंति, आत्मने पद के ई वह महे से इथे द्वे ते इते अंते, यह क्रियापद है। और इसके थोड़े से उदाहरण मैंने आपको दिए, तो उसी पुरुष और उसी वचन के यहाँ पे परस्मै पद वर्तमान काल के स्म लगा के दिए गए भी है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी आपको दिखाया। अब नेक्स्ट टॉपिक, यह छोटा सा स्म प्रयोग टॉपिक था जो कि हम क्रियापद हमको आते थे उसके आधार पर ही हम यह सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम आज का दूसरा जो टॉपिक है
विभक्ति एवं नाम रूप, विभक्ति एवं नाम रूप। आपको नाइन्थ में गुजराती या हिंदी में और टेंथ में भी आपको विभक्ति के अर्थ शायद ग्रामर में गुजराती में आते हैं, तो वह यदि टॉपिक चला होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि अलग सात विभक्ति होती है और सात विभक्ति के अलग अलग अर्थ में वह सात विभक्ति प्रयोग की जाती है। वह तो आपको पता ही है क्योंकि संस्कृत में भी एट्थ में भी विभक्ति के अर्थ आए थे, नाइन्थ में भी विभक्ति और विभक्ति के अर्थ आए थे और टेंथ में भी यह आता है। ठीक है, तो सबसे पहले विभक्ति सात जो है वह सात विभक्ति और उसके अर्थ वह हम देख लेते हैं। यहां पे कोष्टक दिया गया है, अच्छी तरह से इसको आप देखें। यह आपको लिखना भी है लेकिन पहले इसको समझ ले अच्छी तरह से। अब सबसे पहले सात विभक्ति होती है और एक संबोधन होता है। सातों विभक्ति के अलग अलग नाम है जिसको कारक कहा जाता है। ठीक है, और वह अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हैं। यहां पे मैंने हिंदी में भी अर्थ दिए गए हैं और इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए। ऐसे तो हम ये ग्रामर जो है पूरा 16 मार्क का डी सेक्शन से वह सब संस्कृत में ही आने वाला है, उसमें कोई इंग्लिश में आने वाला नहीं है। गुजराती में सीखे ग्रामर पूरा तो भी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अब इंग्लिश में ये है तो ऐसा प्रश्न हो किसी को कि इंग्लिश में क्यों नहीं, इसलिए या फिर मैं हिंदी और इंग्लिश इस तरह से आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, आप अच्छी तरह से समझ ले। बाकी ग्रामर जो है वह 16 मार्क का पूरा संस्कृत में सब आने वाला है और संस्कृत में हमको लिखना है, केवल जो भी है उसका शब्द कौन सा है वह शब्द ही हमको ढूंढना है और वो भी संस्कृत में, इसलिए ग्रामर को अच्छी तरह से हम समझ ले वही बेटर है। हिंदी हो इंग्लिश हो और वह भी समझ में ना आए तो गुजराती में। ठीक है, ग्रामर के लिए ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है इंग्लिश में या गुजराती में, ये कोई वह तो केवल ट्रांसलेशन जो है उसके लिए प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन। फिर भी मैंने यहां पे मीनिंग हिंदी में भी दिए है और इंग्लिश में भी दिए है जिसको आप अच्छी तरह से समझ ले। इंग्लिश में जो है आपको पता ही है यहाँ पे जो दिए है, टू किस लिए प्रयोग होता है, बाय किस लिए प्रयोग, किस अर्थ में प्रयोग होता है, फोर किस अर्थ में प्रयोग होता है, फ्रॉम ऑफ इन ऑन, तो आप जल्दी से समझ सकते हैं। इसलिए अब देखिए सबसे पहले विभक्ति है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति है जिसका नाम है कर्ता, नोमिनेटिव केस। फर्स्ट विभक्ति जो कि नोमिनेटिव केस, केस यानी विभक्ति। ठीक है, तो नोमिनेटिव केस फर्स्ट है कर्ता। देखो यहां पे दिया गया है कर्ता। सब्जेक्टिव सेंटेंस में जो कर्ता होता है, कर्ता वाचक संज्ञा, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ हम सेंटेंस भी देखेंगे। सबसे पहले क्रियापद लेते हैं, खादती। यहां पे मैंने क्रियापद लिया है खादती। ठीक है, यह खादती क्रियापद है, उसमें अर्थ है खाता, खा रहा है, कोई भी खा रहा है। ठीक है, ईटिंग। अब सबसे पहले खा रहा है तो कौन खा रहा है, तो जो खा रहा है वह हो गया कर्ता। क्रिया को जो वह करता है, क्रिया जो भी उसको करता है उसको कर्ता किया
कहा जाता है। तो यहां पे कर्ता है श्याम, कर्ता क्या है श्याम खादति, कौन खा रहा है तो श्याम खा रहा है, श्याम खादति। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पे कि फर्स्ट जो प्रथमा है वह नॉमिनेटिव केस, उसको कर्ता कहा गया है और सब्जेक्टिव कर्ता वाचक संज्ञा में उसका प्रयोग होता है। अब द्वितीय कर्म, एक्यूसेटिव केस कर्म को कहा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सेंटेंस में, क्रिया में जो ऑब्जेक्टिव है उसको कर्म कहते हैं। सब्जेक्टिव यानी कर्ता, ऑब्जेक्टिव यानी कर्म। यहां पे टू के अर्थ में, को के अर्थ में, कि खादती तो वह जिसको खाता है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है, जो खा रहा है उसकी प्रथमा विभक्ति, जिसको खाता है वह, फिर वो लड्डू को खाता हो, पिज्जा को खाता हो, बर्गर को खाता हो, जिसको भी खाता, हमेशा बोलते नहीं कि श्याम बर्गर को खा रहा है, श्याम बर्गर खा रहा है, मोदक खा रहा है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन को इस अर्थ में ये द्वितीय कर्म उसका प्रयोग होता है, ठीक है। फर्स्ट है प्रथमा कर्ता के अर्थ में और द्वितीय कर्म। अब सेंटेंस में हम देख ले तो हमने क्रियापद लिया है खादती, उसमें कर्ता है श्याम, श्याम खादती, तो किम खादती, क्या खा रहा है, तो श्याम मोदकम खादती, लड्डू को खा रहा है, श्याम मोदकम, जो ऑब्जेक्टिव हुआ उसकी विभक्ति हो गई द्वितीया, तो श्याम मोदकम खादति। अब तृतीय का अर्थ देखते हैं, तृतीय है करण, इंस्ट्रूमेंटल केस बाय से के द्वारा, ठीक है, हाथ के द्वारा, मुख के द्वारा, किसके द्वारा खा रहा है, तो कैसे खा रहा है, तो हाथ से खा रहा है, मुख से खा रहा है, तो इस अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थ है से के द्वारा, इस तरह से। सेंटेंस में देखते हैं हस्तेन श्यामः मोदकम् हस्तेन खादति, कि श्याम मोदक को हाथ के द्वारा खा रहा है, ठीक है। तो यह हुआ करण, इंस्ट्रूमेंटल केस, के द्वारा से, हाथ से खा रहा है या हाथ के द्वारा खा रहा है। अब चतुर्थी यानी संप्रदान, डेटिव केस फोर, फोर को के लिए, किस लिए खा रहा है, श्याम मोदक को हाथ के द्वारा किस लिए खा रहा है, तो भूख को मिटाने के लिए, क्षुधा निवृत्त, या
स्वास्थ्याय अपने स्वास्थ्य के लिए खा रहा है। तो यहाँ पे हुआ श्यामः मोदकम् हस्तेन स्वास्थ्याय, यह संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है कि स्वास्थ्याय खादति। श्यामः मोदकम् हस्तेन स्वास्थ्याय खादति। अब पंचमी विभक्ति, अपादा, फ्रॉम, इसका अर्थ भी से इस तरह से होता है, लेकिन किसी वस्तु से एक वस्तु छूट रही है तो वहां पे से कि वृक्षात पर्णानि पतन्ति, वृक्ष से पान गिर रहे हैं, तो इस अर्थ में वहां पे पंचमी होगी। वृक्षात पान कहां से गिर रहे, वृक्ष से, वो अलग हो रहे। आप स्कूल से घर जा रहे हैं, शाला से, तो वहां पे तृतीया नहीं होगी, आप शाला के द्वारा नहीं जा रहे, फ्रॉम स्कूल नॉट बाय स्कूल, ठीक है, फ्रॉम। तो इस अर्थ में से यह अर्थ होगा पंचमी का। तो हम सेंटेंस में देख ले एक बार, शरावात कि श्यामः मोदकम् हस्तेन स्वास्थ्याय, एक बाउल में से खा रहा है, एक बाउल है, कटोरी है, जिसको शराव ऐसा संस्कृत में कहते हैं, तो यहां पे उसकी पंचमी कही गई है शरावात, ठीक है। तो श्यामः मोदकम् हस्तेन स्वास्थ्याय शरावात खादति, कटोरी में से खा रहा है। अब षष्ठी और सप्तमी दोनों का देख ले। षष्ठी है जिसको संबंधक जिनिटिव केस कहा जाता है, तो उफ, का के की, गुजराती में नोनी नूना रोरी रूड़ा, एक वस्तु से उसका संबंध जोड़े उसको कि यह बुक किसकी है, तो आपकी है या मेरी है, काके की रोरी रूरा, तो मेरी है, तो बुक से आपका संबंध हुआ, तो जो संबंध जोड़े उसको षष्ठी विभक्ति कहा जाता है, संबंधक। फिर है सप्तमी यानी कि अधिकरण, लोकेटिव केस में पर, ये इसके पर ऊपर पड़ा है, तो उस अर्थ में इन ऑन अपॉन, ये सब अर्थ में ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस में देखें हम, षष्ठी जो संबंध है वो सब में लग सकती है, इसलिए षष्ठी के साथ सप्तमी का प्रयोग होगा। अब श्याम जो भी करता है, श्याम खादति, ठीक है, श्याम खा रहा है, क्या खा रहा है, तो मोदकम खादति, यह कर्म हुआ। कैसे खा रहा है, तो यह करण हुआ, हस्ते न खादति, हाथ के द्वारा खा रहा है। अब किस लिए खा रहा है, तो स्वास्थ्याय श्यामः, श्यामः मोदकम हस्ते न स्वास्थ्याय खादति। अब किस में से खा रहा है, तो शरावात, ठीक है। फिर है षष्ठी, मित्र के, आया ना के को की, तो मित्र के गृह घर पे खादति, खा रहा है, कहाँ खा रहा है, मित्र के घर में, ठीक है, गृह है, तो घर में खा रहा है, में और पर, इस अर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता है। तो श्यामः मोदकम हस्तेन स्वास्थ्याय शरावात मित्रस्य गृहे खादति। तो इस तरह से सातों विभक्ति, सभी सेंटेंस उसमें सातों विभक्ति के प्रयोग नहीं होते, सेंटेंस तो जिस तरह से मेरे को कहना है कि श्याम
जा रहा है तो श्याम गच्छति, तो उसमें सभी, लेकिन ये समझाने के लिए आपको सभी विभक्ति का प्रयोग यहां पे दिया गया है। ठीक है, अब एक संबोधन है, किसी को बुलाना है तो उस तरह उसके लिए संबोधन बहुत यही हम 11 देखे भो वंचक है, वंचक तो वह एक संबोधन है, तो किसी को बुलाना है तो उसके लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस तरह से प्रथमा होती है उसी तरह से संबोधन होता है, संबोधन का प्रयोग उसमें होता है। तो इस तरह से सात विभक्ति है और सातों विभक्ति के अलग अलग अर्थ है, जो कि सेंटेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख ले कि प्रथमा विभक्ति जो कि कर्ता है, सब्जेक्टिव कर्तावाचक संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति जो कि कर्म है, एक्यूसेटिव केस टू को इस अर्थ में प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति जो कि करण इंस्ट्रूमेंटल केस बाय से के द्वारा इस अर्थ में प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति जो कि संप्रदान डेटिव केस फॉर इस अर्थ में प्रयोग होता है को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान एब्लेटिव केस फ्रॉम इस अर्थ में प्रयोग होता है से। षष्ठी विभक्ति संबंधक जेनेटिव केस ऑफ इस अर्थ में प्रयोग होता है का के की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण लोकेटिव केस जो कि इन ऑन में पर इस अर्थ में प्रयोग होता है संबोधन ओ ओ ए हे अरे ओ इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये सातों विभक्ति है, सात विभक्ति यह अर्थ में प्रयोग होता है। और उसका हमने जो सेंटेंस लिखा, प्रथमा कर्ता जो है श्याम है, श्याम कर्ता है, कर्म है मोदकम, श्याम मोदकम करण हस्तेन स्वास्थ्याय उपादान शरावात मित्रस्य गृहे खादति। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। एक सेंटेंस और भी उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं, तो क्रीडति यह क्रियापद हमने लिया, चलो क्रीडति, ठीक है, खेल रहा है। अब कौन खेल रहा है? रामः। ठीक है, तो रामः करता हुआ, राम खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है? तो हम क्रिकेट के उदाहरण के तौर पर ले रहे, क्रिकाष्टिकाम, क्रिकाष्टिकाम ऐसा क्रिकेट को कहते हैं। तो रामः क्रिकाष्टिकाम क्रीडति, किससे खेल रहा है? तो बॉल से, तो कंदुकेन, बॉल जो है उसको कंदुक ऐसा कहते हैं, तो कंदुकेन क्रीडति, रामः क्रिकाष्टिकाम कंदुकेन क्रीडति। अब किस लिए खेल रहा है? तो स्वास्थ्याय या मनोरंजनाय, अपने आनंद के लिए। ठीक है, स्वास्थ्याय, क्योंकि वह एक हॉबी की चीज है, इसलिए रामः क्रिकाष्टिकाम कंदुकेन स्वास्थ्याय क्रीडति। अब पंचमी, रामः क्रिकाष्टिकाम कंदुकेन स्वास्थ्याय क्रीडति, पंचमी, तो किस में से खेल रहा है? तो एक इंडिया ले ले, ठीक है, तो भारत की, भारत की तरफ से, वास्कुल की तरफ से, रामः क्रिकाष्टिकाम कंदुकेन भारतात क्रीडति, भारत की तरफ से खेल रहा है। षष्ठी कहां पे खेल रहा है उसके आधार पर षष्ठी होगी, तो शहर के ग्राउंड में, ग्राउंड को क्रीडांगण कहते हैं, तो नगरस्य क्रीडांगणे, नगरस्य क्रीडांगणे क्रीडति, रामः क्रिकाष्टिकाम कंदुकेन स्वास्थ्याय
भारतात नगरस्य क्रीडांगणे क्रीडति। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण आपको दिया मैंने, इसको अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। राम, ठीक है, टिकाश टिकाम, कंदुकेन श्वास स्वास्थ्याय भारतात् नगरस्य क्रीडांगणे एक दूसरा उदाहरण के तौर पर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये सातों विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सात विभक्ति है, श्याम मोदकम हस्तेन, तो तृतीया में हस्तेन ही हुआ, द्वितीया में मोदकम ही हुआ, तो उसके लिए हमको अकारांत इकारांत ये सब नाम रूप जो है वह नाम रूप हमको सीखने हैं, तो वह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, स्म प्रयोग और विभक्ति का परिचय आज के लेक्चर में आपको दिया गया। आपको होमवर्क में याद रहे ये जो कोष्टक है विभक्ति वाला कोष्टक लिखना है और साथ में स्म प्रयोग के सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस हो जिसमें हिस्तन भूतकाल के क्रियापद का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पे आपको वर्तमान काल के अगच्छम है तो उसकी जगह पे वही पुरुष और वचन का वर्तमान काल का क्रियापद लगा के स्म लगा के आपको लिखना है। ऐसे पांच सेंटेंस सिर्फ, आप बुक में से जो भी प्रोज है उसमें से कितने सारे सेंटेंस है जिसमें यह ह्यस्तन भूतकाल का क्रियापद का प्रयोग किया गया होगा, तो उसको आप वर्तमान काल के क्रियापद का उसकी जगह पे वही पुरुष और वचन का प्रयोग करके स्म लगा आप सेंटेंस लिख सकते हैं। सिर्फ पांच सेंटेंस जिससे आप स्म प्रयोग की समझ आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे, आपके समझ ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए ऐसा होमवर्क में आपको दे रहा हूं। आप अच्छी तरह से होमवर्क भी कर रहे हैं। क्रियापद में आप सबने लिखा था तो कितने सारे ने क्रियापद लिखे थे, उसमें बहुत भूले भी थी कहीं सारी, लेकिन आपने फिर भी होमवर्क किया वो अच्छी बात है। अब आप एक काम कीजिएगा, सभी को यह नेसेसरी है कि आप जो लिख रहे हैं फेर बुक में यह ग्रामर का पोर्शन, तो उसके दो आपको होमवर्क में साथ में कोई भी दो फोटोज पेज की, ग्रामर जितना भी लिखा है उसमें से दो फोटोज आपको भेजनी है जिससे मैं देख सकूं कि आप किस तरह से लिखते हैं, फिर मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे लिखे, ठीक है। तो ग्रामर के साथ में होमवर्क के साथ में आपने जो भी लिखा है उसमें से किसी भी दो पेज की फोटोज निकालकर आप उसके साथ होमवर्क के साथ भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।